हम जो बायोलॉजी टीचर फ्रॉम एजुकेटर्स उनके स्कूल कैंपस, हम लोग ने नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर फोर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर फोर के बारे में हम लोग बहुत सी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं कि सेल क्या है, डिस्कवरी किस तरह की, सेल के स्ट्रक्चर्स हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उसके, फिर उसके बाद प्रोकैरियोट्स हमने पढ़ी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस पढ़ा, उसके बाद सेल साइज शेप के लिहाज से उसके फंक्शन जो है उसको स्टडी किया था। अब ये है कि सेल जो है उनमें ट्रांसपोर्ट जो होती है वो किस तरह से होती है, मतलब सेल जो है वो मटीरियल्स को लेता है, इनवर्ट जो वेस्ट मटीरियल्स हैं उसको रिलीज करता है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्सॉर्ब करेगा, वो किस तरह से होती है, उसके लिए डिफरेंट जो है वो मेथड्स यूज करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का एक सिंपल उसको आप कॉन्सेप्ट इसको समझें कि डिफ्यूजन जो है वो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सिंपल इतना है कि जहां पर मॉलिक्यूल्स हाई होंगे वहां से ये मूव करेगा लो कंसंट्रेशन की तरफ। जहां पर के कोई ऐसा कोई भी चाहे वो सेल है या वैसे ही अगर वो एक किसी एक प्लेन जो साफ जो प्लेन बिल्कुल सीधा कोई टेबल हो उसके ऊपर हम लोग कोई ड्रॉप ऑफ वाटर भी डालते हैं ना तो वो भी अपने साइड्स की तरफ या जहाँ पर कुछ ढलान होती है उस तरफ मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि वाटर के ड्रॉप के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा है जबकि सराउंडिंग में जो है वो मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा नहीं है तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। डिफ्यूजन की सिंपल डेफिनेशन के कोई भी मटेरियल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में उसको बात करेंगे कि कोई भी ऐसा मटेरियल कोई भी ऐसा लिक्विड जिसमें मॉलिक्यूल्स की अमाउंट जिस साइड पे ज़्यादा होगी वो वहाँ से उस तरफ मूव करेगा जहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल्स की अमाउंट जो है वो कम होगी। अगर बॉडी की बात कर लीजिए ऑर्गेनिजम्स के अंदर तो मूवमेंट जो है डिफ्यूजन की मूवमेंट चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है चाहे लिक्विड फॉर्म में चाहे गैसेस फॉर्म में जिस मर्जी फॉर्म में है वो तब होगी जब उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से अबव होगा। 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अबव होगा तभी इनकी डिफ्यूजन होगी और डिफ्यूजन जो है वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन जो है वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ ही होती है। लेकिन मूवमेंट के दौरान क्या होता है कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो कि लो मॉलिक्यूल से मूव करते हैं हाई मॉलिक्यूल्स की तरफ। दो मॉलिक्यूल से मूव करने वाले हाई मॉलिक्यूल्स की तरफ जो मूव कर रहे होते हैं इनकी नंबरिंग जो है बहुत कम होती है बहुत कम जबकि ज़्यादातर जो मूवमेंट होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही होती है। अगर इसकी सैंपल्स की बात की जाए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन है अब क्या होगा हम लोगों ने ऑक्सीजन ही लेट ली है सांस ली है ठीक है अब क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है हमारे लंग्स के अंदर है अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है वैसे वो हमारी कैपिलरीज के अंदर जाएगी वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो आएगी हमारे लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर जो है वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारे इन्वायरमेंट में। वैसे अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है लेकिन वो वॉल्यूम की लिहाज से फैली हुई है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाइट का इन्वायरमेंट है उसका हम कितना एरिया ले रही है ठीक है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से फैली हुई होगी और हमारे लंग्स हैं वो इस तरह से इतने स्मॉल से हैं। अब इस वॉल्यूम की लिहाज से देखा जाए तो इसके अंदर जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गए वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखा जाए तो सराउंडिंग के लिहाज से जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो ज़्यादा होगी फिर हम लोग जो है वो अपने सेल्स को एक्सपेल करेंगे हमारे लंग्स हैं वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करेंगे या वो कार्बन डाइऑक्साइड जब खुद रिलीज होना चाहिए कि फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव हो। इसी तरह से हमारी ऑक्सीजन है ठीक है अब हमारा ऑक्सीजन वाइड सराउंडिंग में ज़्यादा है हमारे अंदर जो लंग्स में नहीं है तो फिर ऑक्सीजन जो है वो अंदर की तरफ मूव करेगी। उसके अलावा हमारे लंग्स के अंदर ज़्यादा होगी है और जो साइड की सराउंडिंग में जो ब्लड कैपिलरीज हैं उन कैपिलरीज के अंदर जो है वो ऑक्सीजन कम है तो फिर वो लंग्स से ऑक्सीजन जो है मूव करेगी उन कैपिलरीज के अंदर। ये सारा प्रोसेस जो है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास गैसेस एक्सचेंज की गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो बात हमने डिस्कस कर ली कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनके अंदर लंग्स होते हैं लंग्स में किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होंगी किस तरह से ऑक्सीजन अंदर रहेगी किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी फिर उसके बाद जो फिशेज वगैरह होती हैं जिनमें गिल्स होती हैं तो गिल्स में भी ये सारा मेथड है। प्रेशर का डिफरेंट फर्क पड़ जाता है जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से
ब्लड सेल्स है, उस ब्लड सेल्स के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट कम है और हमारे स्टोमक के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा है, तो ग्लूकोज वहां से डिफ्यूज के जरिए मूव करेगा। तो ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें कोई एनर्जी यूज ना करनी पड़े, जिसमें की बस जो है वो उतना बहुत लार्जर प्रेशर से जो ग्रेटर प्रेशर है वहां से मॉलिक्यूल्स मूव करें लो प्रेशर की तरफ, और इसमें हमें कोई एटीपी कोई एनर्जी नहीं यूज करनी पड़ी, उससे हम लोग कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहते हैं मोटर टैप। ठीक है, मोटर टैप अगर हम खोलते हैं पानी को तो नीचे आ जा रहा होता है, वैसे ओपन करने की जरूरत होती है, पानी को तो जो है वो नीचे आ जाता है, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। मतलब कि अब वो पानी जो पानी वाला पाइप है उस पाइप में पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का मतलब उसमें प्रेशर ज़्यादा है, और सराउंडिंग के बाहर वहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल्स कम नहीं है तो प्रेशर कम है, तो पानी जो है वो पाइप से बाहर की तरफ मूव करेगा। हमने सिर्फ टैप खोला है और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़ी स्पीड से बाहर आए हैं, इट्स मीन कि इसके लिए हमें कोई एनर्जी नहीं यूज करना पड़ेगी, भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जाम्पल में आ सकता है। उसके बाद जो है हमारे पास फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ये भी एक डिफ्यूजन की एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि ओरिजिनल डिफ्यूजन नहीं है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है। अगर हम उसकी डायग्रामेटिक की इसको एक्सप्लेन करें, इसमें क्या होगा, हमने उसकी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाया था इस तरह से कि लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर होता है कि लिपिड की दो लेयर्स होती है, एक ऊपर लेयर होती है और एक नीचे लेयर होती है। हमने ये बनाने के बाद बताया था कि लिपिड की लेयर के ऊपर जो है वो कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स की होती है, कुछ ऐसे प्रोटीन होगी जो कि इसके अंदर इम्बेडेड होती है, इस तरह से इसके अंदर इम्बेडेड फॉर्म में होगी। ठीक है, उन प्रोटीन्स के स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, ये प्रोटीन्स हैं अंदर वाली साइड पे, इन प्रोटीन्स को हम लोग कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि डिफरेंट मॉलिक्यूल को एक साइड से दूसरे साइड पर ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे इस साइड से वो मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगी और इसके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन होगी, वो होती हुई जो है दूसरी साइड से रिलीज हो जाएंगे। तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ऐसी प्रोटीन या ऐसी डिफ्यूजन जिसने हमें जो है वो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यूज करनी पड़े कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जो जिस साइड पे ग्रेटर मॉलिक्यूल्स है वहाँ से मूवमेंट हो रही है स्मॉलर मॉलिक्यूल स्मॉलर प्रेशर की तरफ, तो वहाँ से मूवमेंट के दौरान अगर हमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यूज करना पड़ रही है तो वो होगी हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और इसमें क्या होगा कि होता क्या है, जब डिफ्यूजन हो रही होती है दो तरह के जो है वो होती है हमारे पास, एक है हमारे पास हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ये टर्म्स आप लोगों ने पहले सुनी होगी, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, ये ऐसी टर्म्स है। इनमें क्या होता है कि हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिक मीन फोबिया दूर हटना, मतलब कि हाइड्रोफोबिक कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि वाटर से दूर होते हैं, जैसे अगर हम वाटर के ऊपर वाटर के अंदर हमने कोई ऑयल डाल दी है तो वो ऑयल जो है वो वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगा। मिक्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि वाटर जो है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक है वाटर, और जो ऑयल होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा। तो हाइड्रोफोबिक जो वाटर के अंदर सही से मिक्स ना होता हो, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स में सही से मर्ज ना होता हो, और दूसरी साइड से अगर हमने कोई और चीज जैसे कोई जामे शीरे की बोतल है तो वो कुछ और लिक्विड हमने उसके अंदर ऐड किया है तो वैसे ही उसके मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे। तो क्यों मिक्स होंगे, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो कि अच्छे से उसके साथ इंटरेक्शन रखता हो, जो जामे शीरे के हमें ड्रॉप्स डाले वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब जो कि वाटर के साथ अच्छे से इंटरेक्शन रखता हो और उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर के साथ सही इंटरेक्शन ना रखता हो, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स के मैन बॉन्डिंग ना हो सके, जैसे ऑयल को हमने डाला। ठीक है, ऑयल जब डालेंगे उसके ऊपर तो डालने से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर सही से जो है वो इंटरेक्शन नहीं होगा और मिक्स नहीं होगा। सेम इसी तरह से इसी एग्जाम्पल है कि ये जो हमारे पास लिपिड्स के पार्ट्स है ना, ये हमारे पास ऑयल के एग्जाम्पल ले लिया आप लोग, तो ऑयल जो है वो हाइड्रोफोबिक के तौर पर, अब हाइड्रोफोबिक के अंदर से सिर्फ हाइड्रोफोबिक के सब्सटेंसेस ही गुजर सकते हैं, वाटर वाला मॉलिक्यूल्स नहीं गुजरेंगे। वाटर वाला आएंगे तो इसके ऊपर आ जाएंगे, जरूरी नहीं कि वाटर वाले, मतलब जो हाइड्रोफिलिक है, कोई भी ऐसी प्रोटीन्स कोई मटेरियल कोई न्यूट्रिएंट जो कि हाइड्रोफिलिक है वो इन हाइड्रोफोबिक जो पार्ट्स हैं उनमें से पास आउट नहीं कर सकते। उनको पास करने के लिए फिर कोई स्पेस चाहिए, फिर वो प्रोटीन का सहारा लेते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए फिर मूवमेंट होती है। होती वही है कि यहाँ पर ग्रेटर अमाउंट में है और लोअर अमाउंट की तरफ उन्होंने
माई कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है और उस एरिया से होती है कि जिस एरिया में सॉल्यूट की अमाउंट कम है वहां से मूव करेंगे उस एरिया की तरफ जहां पर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि ऑस्मोसिस में मतलब एक ऐसा हमारे पास सेल है जिसमें सॉल्यूट अमाउंट कम है जबकि वाटर जो है वो अमाउंट में ज्यादा है। सेम इसी तरह से कोई साथ ही ऐसा सेल है जिसके हमारे पास सॉल्यूट के अमाउंट में ज्यादा है और वाटर कम है, तो फिर ऐसा सेल जिसमें वाटर ज्यादा है वाटर वहां से मूव करेगा और दूसरे सेल में जहां पर सॉल्यूट हमारे पास ज्यादा है तो वाटर उस तरफ मूव करेगा। वो हो गया हमारे पास ऑस्मोसिस का इफेक्ट। अब वो जो हमारे पास जो हमारे पास सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन होगी वो होगी उसकी टोनिसिटी, किस सॉल्यूट जो है किस अमाउंट में है वो होगी उसकी टोनिसिटी। ऑब्सोल्यूशन ऑब्सोल्यूशन जो है वो तीन तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक और तीसरा होता है आइसोटोनिक। ये टर्म्स भी आपस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती हैं। हाइपर मीन हाइपर हो जाना, ज्यादा हो जाना, तो हाइपरटोनिक जिसमें सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ऐड किए हुए हैं लेकिन उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का नाम देंगे। उसी बात है हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है वो ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें जो हमारे पास सॉल्यूट कंसेंट्रेशन है वो कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट कंसेंट्रेशन कम होगी उनको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस का नाम देंगे। उसके बाद हमारे पास आइसो, आइसो मींस सेम, ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन होगी वो सेम होगी उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। उसके बाद अगर हम लोगों ने देखना है कि इन जो तीन डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशंस में अगर इन सॉल्यूशंस के अंदर कोई एनिमल सेल डाला जाए उस सेल पे क्या इफेक्ट होगा इसको हम लोग देखना है। अब फॉर एग्जांपल देखिए सर, हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने एक सेल डाला है अपना उस सेल, ठीक है, अब ये जो हमारे पास सेल है अब क्या होगा कि हम लोगों ने इस सेल को डाला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, ये ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमारे पास जो है ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सॉल्यूट की अमाउंट है वो ज्यादा है, बाहर क्या है हमारे पास सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है और अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जहां पर बाहर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो और अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कम हो तो इस कंडीशन में जो सॉल्यूट्स हैं जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब अंदर क्या है हमारे पास सेल में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है जबकि बाहर वाटर मॉलिक्यूल उतने कम हो गए, इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ मूव करेंगे ताकि बाहर की जो कंसेंट्रेशन है उसको नॉर्मल रखा जाए, ये इक्वल रखा जाए, जितना अंदर प्रेशर है उतना ही बाहर प्रेशर हो, इस कंडीशन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं बाहर की तरफ मूव करेंगे। तो बाहर की तरफ मूव करेंगे उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल जो है वो फट जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा जितने वाइट मॉलिक्यूल्स वो वाइट की तरफ आ गए तो इसके अंदर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन और वाइट की तरफ सॉल्यूट कंसेंट्रेशन के, ये इफेक्ट तब होगा जब जो है हमारे पास जो अगर हमने एनिमल सेल को एक ऐसे सिचुएशन में डाला है जहाँ पर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल सेल से वाइट की तरफ मूव करेंगे तो सेल जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है हमारे पास कि अगर इस सेल को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं जैसे हमारे पास ये है कि ये हमारे पास हमने बिगड़ लिया और इसके अंदर हमारा ये सेल है और इस सेल के अंदर ये सॉल्यूशन की अमाउंट इतनी होगी और इसके अंदर हमने देखना है कि बाहर क्या है वो सॉल्यूट की अमाउंट कम है तो अंदर क्या है वो सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। जब बाहर सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी इट्स मीन कि बाहर वाटर की अमाउंट ज्यादा है और अंदर वाटर की अमाउंट कम है, इस कंडीशन में क्या होगा कि वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा तो अंदर की तरफ मूव करेगा तो सेल जो है वो थोड़ा सा उसकी मेम्ब्रेन सेल की जो मेम्ब्रेन है वो ज्यादा प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, जब वाटर अंदर की तरफ मूव करेगा उसका प्रेशर ज्यादा हो जाएगा अंदर की तरफ, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वो उस प्रेशर को जो है उसको बर्दाश्त नहीं करेगी सेल, सेल की जो मेम्ब्रेन है वो फट जाएगी, इस तरह से जो सेल है वो बस्ट हो जाएगा, सेल है वो बस्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर हम लोग जो है वो एक ऐसे सेल के अंदर डाल देते हैं एक ऐसा हमारे पास बीकर उसके अंदर हमने सेल डाला है तो जितनी हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लेना है जिसमें
वो ज्यादा होगी जबकि बाइट्स यू की अमाउंट कम होगी। इस कंडीशन में बाइट वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम है, जिस कंडीशन में सेल के अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे। लेकिन क्या होगा, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन लगी हुई है। जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करेंगे, अंदर जाने के बाद हमने पढ़ा था कि जब सेल के अंदर प्लांट सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो उस मॉलिक्यूल के अंदर सेल के अंदर जो है वो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इन वैक्यूल्स के अंदर आएंगे, वैक्यूल्स लार्ज होंगे, आपस में फ्यूज होने के बाद सारे वैक्यूल आपस में फ्यूज होने के बाद एक लार्ज वैक्यूल बना देंगे। अगर ये लार्ज तो वाटर मॉलिक्यूल हमने ऐड किया है, वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ ज्यादा मूव करता जाए, ज्यादा मूव करता जाएगा, मूव करेगा वैक्यूल्स के अंदर, वैक्यूल के अंदर मूव करने में क्या होगा, इसका साइज जो है वो इनलार्ज हो जाएगा। इनलार्ज होने पे क्या होगा कि इसकी जो सेल वॉल है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, लेकिन सेल वॉल जो है वो ज्यादा प्रोटेक्टिव है, वो नहीं टूटेगी। जिस तरह से प्लांट सेल पड़ा, प्लांट को एनिमल सेल के अंदर पड़ा, एनिमल सेल की मेम्ब्रेन जो है सेल मेम्ब्रेन वो थोड़ी सी वीक होती है, इसलिए जैसे ही वाटर का प्रेशर इंक्रीज हुआ वो फट गई। लेकिन यहाँ पर अपनी जो टैंकी पड़ी होती है छत के ऊपर, अगर उसके अंदर हमने पानी को भरना है
पढ़ने के लिए क्या होगा कि नीचे से पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा, हालांकि टैंकी के अंदर पानी नहीं है, मोटर के जरिए हम लोग पानी को जो है वो ऊपर की तरफ पहुंचाएंगे। तो वहां पर नीचे पानी ज्यादा है और जो है ऊपर, तो क्या होगा कि हम लोगों ने मूव करवाना है मोटर को ऊपर की तरफ। मूव करवाने के लिए क्या होगा, हमें जो है वो मोटर की जरूरत पड़ती है। मोटर क्या है, जिससे चलती है इलेक्ट्रिसिटी से, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एनर्जी को यूज करेगी। एनर्जी को यूज करते हुए हम लोग लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मोटर को जो है वो ऊपर मूव करवाएंगे। उसी एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पर कि रेस्टिंग नर्व सेल, हमारा जो नर्व सेल है जब वो वर्क नहीं कर रहा होता, नर्व सेल क्या होता है जिसने हमारे बॉडी के अंदर मैसेज को ट्रांसमिट करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ या मैं सुन रही हूँ कुछ भी है, वो मैसेज जाता है मेरे ब्रेन का। मैसेज किस तरह से जाता है, हमारे जो है जैसे मतलब के हमारे नर्व सेल है उसको नर्व इंपल्स को लेके जाता है, तो नर्व इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट होगी। तो क्या होगा कि अब अगर तो नर्व इंपल्स नहीं होगी, नर्व इंपल्स आएगी नर्व सेल ट्रांसमिट कर दी है उसे हमारे ब्रेन तक के डिफरेंट पार्ट्स तक, लेकिन अगर जो है अगर हमारे पास नर्व सेल के नर्व इंपल्स नहीं आएगी उस कंडीशन में नर्व सेल जो रेस्टिंग स्टेज पे होगा। रेस्टिंग स्टेज पे होने का मतलब ये है कि वो भी मूव नहीं, वर्क वर्क नहीं कर रहा। अब क्या होगा कि जो नर्व सेल होता है उसकी इन साइड पोटाशियम की अमाउंट ज़्यादा होती है, जबकि आउट साइड से है वो सोड, जो इन साइड अगर देखा जाए तो इन साइड सोडियम की अमाउंट कम होती है, पोटाशियम की अमाउंट ज़्यादा होती है। लेकिन आउट साइड देखा जाए तो पोटाशियम की अमाउंट कम होगी और सोडियम की अमाउंट जो है वो ज़्यादा होती है। अगर रेस्टिंग कंडीशन में ये अमाउंट जो है वो स्टेबल रखनी पड़ती है, अंदर जो है वो सोडियम कम रहे और पोटाशियम ज़्यादा रहे, और बाहर जो है सोडियम ज़्यादा रहे पोटाशियम कम रहे। इसमें ब्रेन को इस टेंशन है इसको मेनटेन रखने के लिए कुछ सोडियम पोटाशियम पम्प्स लगे होते हैं उनमें ब्रेन की वॉल्व के ऊपर, मतलब तो उन पम्प्स के जरिए जो है उनको पम्प किया जाता है कि अगर पोटाशियम जो है उनकी नंबरिंग अंदर कम हो रही है तो फिर बाहर से उनको पुश किया जाता है अंदर की तरफ, ताकि अंदर जो पोटाशियम का लेवल ज़्यादा रहे और सोडियम का लेवल कम रहे। अगर अंदर सोडियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो सोडियम को बाहर तक मूव किया जाता है, ताकि बाहर जो है वो सोडियम का लेवल ज़्यादा रहे और अंदर सोडियम का लेवल कम रहे। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इनसाइड और साइटोसिस मतलब सेल के इनसाइड हम लोग अपने फूड मटेरियल को या उसके अलावा हमारे वेस्ट मटेरियल है उसको मूव करवाते हैं। तो अगर तो कोई भी फूड पार्टिकल्स है जिस तरह से वो इनवर्ड मूव कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं अमीबा का अगर एग्जाम्पल ली जाए, तो अमीबा क्या होता है एंडोसाइटोसिस के जरिए फूड को इंटेक करता है, मतलब ये उसका अमीबा का सेल है। ठीक है, जैसे हम सिंपल उसका अगर स्ट्रक्चर कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता अमीबा का, इस तरह की शेप बना ली उन्होंने अमीबा की, अमीबा ने जब फूड को इंटेक करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो बाहर से कोई फूड पार्टिकल जैसे इसके अंदर टच होगा अंदर की तरफ इस तरह से बाहर सब जाएगा, ये अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ मूव करके ठीक है इस फूड पार्टिकल्स को फिर उसको इंजेस्ट करेगा, इंजेस्ट करने के बाद डाइजेशन होगी, डाइजेशन के बाद जो है फिर यहाँ से जो फूड पार्टिकल जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इस मेम्ब्रेन से आकर लगेगा, मेम्ब्रेन यहाँ से थोड़ी सी बस्ट होगी और बस्ट होने के बाद वेस्ट मटेरियल यहाँ से रिलीज किए जाएंगे। अगर तो कोई मटेरियल सेल के अंदर मूव कर रहा है उस कंडीशन में उसे नाम देंगे हम लोग एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, एक होती है पिनोसाइटोसिस दूसरी होती है फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब अगर हम लोग कोई इनवर्ड मटेरियल मूव करवा रहे हैं और वो लिक्विड की फॉर्म में है, अगर वो जो हम लोग मूव करवा रहे हैं वो लिक्विड की फॉर्म में है, उस लिक्विड की जो हम लोग मूवमेंट है एंडोसाइटोसिस होगी उसे कहेंगे फेगोसाइटोसिस। और अगर जो है वो सॉलिड फॉर्म में हो, कोई सॉलिड पार्टिकल उसको मूव करवा रहे हैं वो भी फेगोसाइटोसिस। सेम इसी तरह एक्सोसाइटोसिस है, एक्सो मीन्स बाहर की तरफ मूव करवाना आउटवर्ड। तो अगर हम लोग जो है सेल्स के बाहर की तरफ जो वेस्ट मटेरियल डिस कमाएंगे उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये था आप लोगों का आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सारी जो पैसेज है उसको पढ़ा। पहले तो हमारे पास डिफ्यूजन क्या होता है, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स में के डिफ्यूजन क्या होगा, डिफ्यूजन के बाद उसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी, वो क्या होता है सही डेट पर ही उसकी ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस की टाइप जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप होते हैं, उन सॉल्यूशंस का जो है प्लांट सेल के ऊपर और एनिमल सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने उसकी फिल्ट्रेशन पढ़ी, फिल्ट्रेशन के बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी रेस्टिंग नर्व
जाती है, उसके बाद एजोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस। अगर इस टॉपिक में आप लोगों को किसी बात की समझ ना आई हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। और उम्मीद तो है कि आपको मतलब अच्छे से समझ आ गई होगी। मजीद जो है, अगर कुछ ना भी समझ आई हो तो आप जो है कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आप सब